मेरा नाम नंदकिशोर मुंडा है, गांव पुंडीदरी, थाना तमाड़, जिला रांची। मैं झारखंड का स्थायी निवासी हूँ। आज हम लोग जो इस बैठक को रखे हुए हैं यहाँ पे लुमटू मैदान में, हमारे जमीन पे सोना का खदान मिला हुआ है, सरकार को ये मालूम है, तो हम लोग की जमीन छीनी जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे आदिवासी लोग? हम लोग ये सोच के कभी नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं दिए थे। नरेंद्र मोदी जी एक सांप्रदायिक नेता थे, इसलिए हम लोग ने ये आदिवासी भाई लोग के लिए भी कुछ कल्याण सोचेंगे बोल के वोट दिए थे। लेकिन आज ये हम लोग को ये जगह में भेज दिए हैं जो कब्रिस्तान की बराबर है वो जगह, तो क्या करें हम लोग? हमारे राज्य में, झारखंड राज्य में आदिवासी की परंपरागत सीट थी यहाँ पे मुख्यमंत्री की, ये भी नरेंद्र मोदी जी हम लोग को छीन लिया गया। नरेंद्र मोदी जी छीने, हम और क्या करेंगे यहाँ पे? ये तो आदिवासी को जड़ से मिटाना चाहते हैं बीजेपी सरकार। कम से कम ये तो छोड़ देना चाहिए कि आदिवासी ही यहाँ के जानेंगे, ये तो छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री रघुबर दास को दे दिया यहाँ के सीट। रघुबर दास क्या जानेंगे? छत्तीसगढ़ के बारे में जानेंगे? मेरे झारखंड के बारे में जानेंगे? जानेंगे तो अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन, जो भी आदिवासी हमारे लीडर है वो जानेंगे परंपरागत यहाँ के क्या होता है। उनको पूछेंगे हम कर्मा में कितना दिन उपवास लगता है, जानेगा। हर्ष गाली क्या होता है वो जानेगा? कभी नहीं जानेगा। तो ये चीज ये रघुबर दास ने और नरेंद्र मोदी जी ने किया है, लेकिन आदिवासियों की अस्तित्व मिटाने का फेराक में है, लेकिन उन लोग का अस्तित्व मिट जाएगा? ये हमारी आदिवासी भाई लोग का संपलक है और ये करके रहेंगे। इसके लिए हम लोग को कुछ सोचना नहीं होगा, और ये हमारी मंथन है आदिवासियों की, हमारी एक आवाज़ से नहीं होगी। दुनिया में जितने भी आदिवासी हैं सबकी आवाज़ बुलंद है। और इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य को बंद करता हूँ, और इस जुनून में हम लोग को उजाड़ना ना चाहे उनको हम लोग उजाड़ेंगे।